मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग पढ़ा रहे हैं इन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे नवजात शिशु व बच्चों की देखभाल से संबंधित योजना IMNCI के बारे में, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस के बारे में, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संगठन बच्चों के स्वास्थ्य के विकास व रोगों की रोकथाम हेतु प्रयासरत हैं। विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य संगठन है बच्चों के स्वास्थ्य के विकास व रोगों की रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। गंभीर अवस्था में रोग से ग्रसित जो बच्चों की उचित देखभाल हेतु WHO तथा यूनिसेफ की सहायता से IMNCI का प्रारंभ किया गया है। भारत में नवजात शिशु व बालकों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ की सहायता से यह कार्यक्रम चलाया गया है। भारत सरकार के द्वारा नवजात शिशु व बालकों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ की सहायता से यह कार्यक्रम चलाया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव देखिए, संक्रामक रोगों की रोकथाम जैसे मलेरिया, खसरा आदि, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जो है रोकथाम के लिए जैसे मलेरिया, खसरा आदि बीमारियों से बचाव के लिए, कुपोषण से संबंधित बीमारियों की बचाव के लिए, इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्राप्त बच्चों को जो है स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाए, कुपोषण की रोकथाम करना, बच्चों में बीमारी और मृत्यु दर को कम करना, बच्चों में होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे संक्रामक बीमारियां हैं मलेरिया, खसरा आदि, इसकी जो है इससे होने वाले मृत्यु दर को कम करना, बच्चों में वृद्धि तथा विकास को बढ़ावा देना, बच्चों में वृद्धि तथा विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखिए विशेषताएं, इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं। नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल करना, टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, नवजात जो शिशु हैं उनकी विशिष्ट देखभाल करना, टीकाकरण कार्यक्रम को चलाना, बच्चों को विटामिन ए का खुराक देना, बच्चों को विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए विटामिन ए की खुराक देना, एनीमिया की रोकथाम करना, एनीमिया नामक बीमारी से बच्चों की बचाव करना, बच्चों का ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, एनीमिया की रोकथाम करना, मलेरिया की रोकथाम करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बच्चों के उपचार संबंधी प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बच्चों को के ट्रीटमेंट से संबंधित जो है प्रशिक्षण देना। IMNCI के घटक कॉम्पोनेंट्स क्या है। बच्चों को की देखभाल करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण देना, समुदाय तथा परिवार का बच्चों की देखभाल हेतु विकास करना, बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की विशेष देखभाल करना। इसमें देखिए IMNCI प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, IMNCI का की प्रक्रिया क्या है। देखिए बाल्यावस्था के दौरान दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को स्वीकृत रूप से प्रदान करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया पूरा किया गया जो कि निम्नलिखित एलिमेंट्स के अनुसार पूरा किया गया। बाल्यावस्था के दौरान दी जाने वाली जो स्वास्थ्य सेवाओं का स्वीकृत रूप से जो प्रदान करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया पूरा किया गया वह निम्नलिखित एलिमेंट के अनुसार पूरा किया गया। देखिए सर्वप्रथम बच्चों में रोग की गंभीरता के लक्षणों के सही रूप से असेसमेंट करते हैं जिसमें बच्चे के पोषण स्तर का भी पता लगता है। सबसे पहले बच्चों में रोग की गंभीरता के गंभीर रूप से होने वाले रोगों की लक्षणों के सही रूप से असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं जिससे बच्चों के पोषण स्तर का भी पता लगाया जा सकता है। बच्चों को रोग की गंभीरता के आधार पर बच्चों की वर्गीकृत किया जाता है जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। बच्चों को जो है रोग की गंभीरता के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार से है। देखिए इसमें देखिए फर्स्ट है रेड कार्ड, सेकंड है ग्रीन कार्ड एंड थर्ड है येलो कार्ड। इसमें फर्स्ट रेड कार्ड, इस श्रेणी के अंतर्गत गर्भावस्था प्रेगनेंसी से रोगग्रस्त बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। रेड कार्ड के अंतर्गत जो है प्रेगनेंसी से रोगग्रस्त जो बच्चे हैं उसको सम्मिलित किया जाता है जिन्हें तुरंत पर रेफरल उपचार देने की आवश्यकता होती है, जिसे जो है तुरंत पर रेफरल उपचार देने की ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। सेकेंड देखिए येल्लो कार्ड,
इसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें विशिष्ट उपचार तथा परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चों को ऐसे बच्चों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें विशिष्ट उपचार की जरूरत पड़ती है, परामर्श की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ग्रीन कार्ड। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें इलनेस स्थिति में घर में ही देखभाल प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत ग्रीन कार्ड के अंतर्गत इस जो ऐसे बच्चों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें बीमारी के की स्थिति में भी घर पर ही देखभाल, उसका ट्रीटमेंट, इलाज किया जा सके, उसका जो है देखभाल किया जा सके। आगे देखिए प्रबंध मैनेजमेंट किस तरह से करें। इसमें फर्स्ट देखिए, रोग की गंभीरता के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत करने के बाद उनकी आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उपचार किया जाता है। आवश्यकता अनुसार बच्चों की रेफरल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। रोग की गंभीरता के आधार पर बच्चों को जो है वर्गीकृत करने के बाद उनकी आवश्यकता, उनकी ज़रूरत के अनुसार विशिष्ट उपचार, उन्हें विशिष्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें आवश्यकता के अनुसार रेफरल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बच्चों की जो है ज़रूरत के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें रेफरल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। सेकंड देखिए, बच्चों का आवश्यक उपचार किया जाता है तथा घर पर बच्चों की देखभाल के संबंध में माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को जो है आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपचार किया जाता है। बच्चों का जो है आवश्यक उपचार किया जाता है तथा घर पर ही बच्चों की देखभाल के संबंध में, ट्रीटमेंट के संबंध में माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें थर्ड देखिए, बच्चों में होने वाली फीडिंग समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त प्रबंध किया गया है। बच्चों में जो है फीडिंग से संबंधित समस्या के समाधान हेतु जो है उचित प्रबंध किया गया है, जैसे बच्चों का स्तनपान करवाना, बच्चों को जो है स्तनपान करवाना।